हेलो स्टूडेंट्स, इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसन नंबर 7, दैट इज लेटर्स ऑन अ टैब एंड कंप्यूटर कीबोर्ड। दैट मीन्स कि किसी लैपटॉप में, कंप्यूटर में किस तरीके से अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है वो आज हम देखेंगे। ओके, आई थिंक दैट इफ़ ऑल ऑफ यू वर यूजिंग योर पेरेंट्स फ़ोन देन यू वुड नो हाउ डज अल्फ़ाबेट्स यूज इट। ओके, If you have not seen, so today you will be definitely learn that how alphabets like A, B, C, D is used in laptop, computer or mobile phone, okay, cell phone। ये अगर आप अपने मम्मी पापा का तो फ़ोन यूज़ ही करते होंगे ना, तो आप देखते होंगे किस तरीके से आप टाइप करते हैं या आपके पेरेंट्स किस तरीके से टाइप करते हैं, तो इसमें किस तरीके से A, B, C, D का यूज़ होता है वो आज हम देखने वाले हैं। देखिए, ये किसी टैब का स्क्रीन है। टैब मीन्स सेल फोन होता है ना, मोबाइल फ़ोन, उससे बड़ा होता है टैब, टैबलेट उसको बोलते हैं टैब। तो जैसे मोबाइल में होता है ना, जितने सारे फंक्शन, जितने सारे लेटर्स, वो सारी चीज़ें टैब में भी होती हैं, तो वो आज हम देखेंगे कि इसमें ए बी सी डी कैसे यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और किस तरीके से होता है। सो इन योर फ़ोन द अल्फ़ाबेट्स इज नॉट इन सिक्वेंस ऑर्डर। ओके, ये सिक्वेंस ऑर्डर में नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। आप देख सकते हैं जहाँ पे, यहाँ पे ए होना चाहिए बट यहाँ पे क्यू है, ए किधर है, ए इधर है, डब्ल्यू यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो हम सर्च करते हैं और यहाँ पे आपको लिख के दिया भी है फाइंड, रीड एंड यूज़। तो आपको फाइंड करना है पहले ए बी सी डी, हम पूरा देखते हैं इसमें ए कहाँ पे है बच्चों। सो ए इज हियर, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई कहाँ पे है आप बताओ। वेरी गुड, यहाँ पे है। जेड कहाँ पे है, यहाँ पे है लास्ट। ओके, सो इस तरीके से हमारा अल्फ़ाबेटिकल जो भी वर्ड, जो अल्फ़ाबेट है जितने भी, उसमें हमने देख लिए। ओके, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से, अब यहाँ पे किस तरीके से लिखा है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी, ये क्या है, ए एस D F G H J K L Z X C V B N M। ओके, अगर आपको बॉल लिखना हुआ तो आप कैसे लिखोगे, पहले आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, बॉल ये आपको टाइप करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख के आएगा B। ओके, A इसके बाद क्या लिखेंगे, A A L, L कहाँ पे है सर्च करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे है L, टू टाइम प्रेस करना पड़ेगा आपको। ओके, अब अगर आपको एप्पल लिखना है तो पहले आपको ये वाला प्रेस करना पड़ेगा, A, इस तरीके से आएगा P, फिर से एक बार और क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि डबल आएगा ना P, उसके बाद यहाँ पे L है, L, यहाँ पे E है, एप्पल, इस तरीके से आपको फाइंड करना है और क्या बोला है, रीड करना है और उसे यूज़ करना है इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन हियर द लेटर ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड, दिस इज कीबोर्ड स्टूडेंट। ओके, द कीबोर्ड हैज़ मेनी स्मॉल बटन्स दैट इज कॉल्ड कीज, मीन्स यहाँ पे बहुत छोटे 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 सब नंबर्स हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, ये छोटे छोटे जो यहाँ पे बटन दिख रहे हैं बटन, इसको हम क्या बोलते हैं, कीज़। ओके, और ये पूरा क्या है, कीबोर्ड, ये जो पूरा है इसको बोलते हैं कीबोर्ड। ओके, और ये जो ये इतने सारे बटन है यहाँ पे छोटे छोटे, उसको बोलते हैं की। दीज कीज टू टाइप अल्फ़ाबेट नंबर्स एंड मेनी मोर ऑप्शन, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बहुत सारे कीज़ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे कीज़ हैं, आप जिसे प्रेस करोगे वो आपको उसमें कुछ अलग ही फंक्शन दिखेगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, एज यू कैन सी देयर आर सम नंबर्स एंड सम सिंबल्स की, एंड हियर दिस इज, इफ़ यू टाइप एनी नंबर यूजिंग द नंबर की, लाइक अगर आपको 4 चाहिए तो आप यहाँ पे 4 प्रेस करेंगे, 5 चाहिए तो 5 प्रेस करेंगे, 8 चाहिए तो 8 प्रेस करेंगे, 9 चाहिए तो 9 प्रेस करेंगे, इस तरीके से. ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर 4 एरोज, 1 एरो इज लाइक अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट. दैट मीन्स एरोज की यू कैन यूज द एरो कीज टू मूव अप, ओके, मूव अप, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन. आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है. कंप्यूटर जब आप सीखोगे तो आपको ये सब का अच्छे से बताएंगे. अब आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी आपको अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे. देखिए यहाँ से लेके जैसा आपको टैब में दिखा है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ तक पढ़े हम इसे, देखते हैं. पहले हम ABCD वाला देखते हैं, इसे देखते हैं. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ यहाँ पे हो गया. ओके, सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्पेशल कीज लाइक के, एंड दिस इज फंक्शन कीज, दिस ऑल इज फंक्शन कीज. ओके, एंड दिस इज कंट्रोल की, दिस इज कैप्स लॉक. अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो उसके लिए यहाँ पे एंटर है, कुछ भी आपको एंटर करने के लिए, ठीक है. आपको अगर एक लाइन आपने लिखा, आप फिर एंटर करोगे तो फिर यहाँ पे दूसरे लाइन पे आपका कर्सर आ जाएगा. बैक स्पेस मीन्स अगर आपको पीछे जाना है, किसी आपने कुछ लिखा, सपोज यहाँ पे लिख लिया, आपको बैक स्पेस जाओगे तो आपका ऊपर वाली लाइन पे आप जाओगे. ये सब आप कंप्यूटर में सीखोगे. ओके, एंड हियर सम सिम्बॉल्स. ओके, इफ़ यू प्रेस सो इट्स शो ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन योर पेरेंट्स मोबाइल कंप्यूटर. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने मम्मी पापा का तो फ़ोन यूज़ करते ही होंगे, तो आप अपने मम्मी पापा के फ़ोन में, किसी के भी फ़ोन में, ये सेंटेंस आपको टाइप करना है. क्या है यहाँ पे सेंटेंस, द. तो द के लिए आप क्या आ जाएंगे, पहले टी प्रेस करेंगे, एच, एंड आफ्टर दैट ई, द क्विक. क्विक में पहले क्यू यू आई सी के, क्विक. ब्राउन, अब ब्राउन में क्या करना है आपको, पहले बी यहाँ पे फाइंड करो उसे, बी आर ओ डब्ल्यू एन, ब्राउन. फॉक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स. जम्प्स, जे यू एम पी एस, जम्प्स. ओके, ओवर, ओवर कहाँ पे जाएगा तो देखते हैं. ओ वी ई आर, ओवर. अ लेजी, एल ए जेड वाई, डॉग, डी ओ जी. जितने भी थे सारे के सारे, यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो जाएंगे, सिर्फ इस एक सेंटेंस में आपको सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपको करनी है अपने पेरेंट्स के, अपने मम्मी या पापा या किसी के भी फ़ोन में आपको ये टाइप करना है, और आपको भी सर्च करना है फ़ोन में कि कहाँ पे कौन सा चीज़ है, ठीक है, कौन सा अल्फ़ाबेट है. आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछ लेना. अगर आपको कोई डाउट हो और आपको कॉमेंट करना हो तो अपनी मम्मी से बोलना कि कॉमेंट सेक्शन में आप जाके वहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आपको आस्क करना है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाना और पूछना आपकी क्या आपको समझ में नहीं आया, आप कोशिश करना वहाँ पे लिखने की, ठीक है. और वहाँ पे इस तरीके से अल्फ़ाबेट जितने भी है यूज़ करने की कोशिश करना. ओके स्टूडेंट्स.
सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 साउंड्स इन द मिडल ऑफ वर्ड्स।